हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लास 9th का टॉपिक है ये, फ्रेंच रेवोल्यूशन। डेट है इसकी 1789 और डेट पे दो कन्फ्यूजन है। एक पर्सन कहते हैं 5th of May और एक कहते हैं 14th of July। चलिए कोई बात नहीं, चाहे मई है जुलाई है, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें 1789 ईयर से लेना देना है और प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना ज़बरदस्त रेवोल्यूशन है कि यूरोप में अब तक किसी इवेंट ने इतना प्रभावित नहीं किया जितना इस इवेंट ने अब तक किया है। जितना इसके बारे में लिखा गया आज दिन तक शायद किसी के बारे में नहीं लिखा गया है जितना इस रेवोल्यूशन के बारे में लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के इस इवेंट के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर लिखा गया है और बहुत हाई लेवल पर स्टडी किया है। इसने यूरोप को मॉडर्न एरा में, अगर आप कहें तो, एंटर करवाया। मॉडर्न पॉलिटिक्स में, मॉडर्न इकोनॉमी में, सोसाइटी और कल्चर को शेप करने में इस रेवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सही मायने में ये एक रेवोल्यूशन था। ये एक बार में नहीं हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके कई सारे अपहीवल्स हैं, यानी कि ये बार बार होगा वेव्स की फॉर्म में। और शुरुआत इसकी 1789 से मानी जाती है, तो एट ए स्ट्रेच ये 1789 से 1815 तक चलेगा, लेकिन उसके बाद ये 1830s में भी होगा, 1848 में भी होगा और फिर फाइनली यहाँ पर आकर के एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फुली इस्टेब्लिश होगा जिसके बाद फ्रांस कभी रेवोल्यूशन नहीं देखेगा। ये हमारा आज का पार्ट नहीं है, कल जो हम चैप्टर करेंगे उसमें नेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आप ये सेक्शन स्टडी करेंगे 1838 से 1848 तक का। आज का आपका पार्ट है द टिपिकल फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं 1789 से 1815 वाला दौर है। चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, कुछ चीज़ों को समझते हैं। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक आप इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे, हालांकि मोस्टली सारे एस्पेक्ट आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं पहले। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो फ्रांस है, फ्रांस में रूल किनका है, मोनार्क का। मोनार्क हैं और कौन सी डायनेस्टी है, बर्बन डायनेस्टी। तो यहाँ पर बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही है, ठीक है। जिस समय में रेवोल्यूशन होगा इस समय बर्बन डायनेस्टी के कौन से रूलर हैं, लुइस लुइस 16, ठीक है। तो जिस समय में ये रेवोल्यूशन होगा इस समय यहाँ के रूलर कौन है, लुइस 16, और इनकी एज बहुत ही छोटी है, ये बहुत ही यंग है, 20 इयर्स के हैं। ये दो बातें आप एस्पेक्ट ध्यान से रखेंगे। ध्यान रखिए, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पहले पढ़ा लेकिन हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा, जबकि वो 1776 में हो चुका था और हम 1789 के एक इवेंट को पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के अमेरिकन रेवोल्यूशन ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दी जो कहीं ना कहीं एनलाइटन करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को। जो फ्रीडम का एक एस्पेक्ट है, जो राइट्स की एक बात है कि फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, लोगों के कुछ नेचुरल राइट्स होने चाहिए, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं अमेरिकन रेवोल्यूशन ने दे दिया था। अमेरिकन रेवोल्यूशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या पार्टिसिपेंट है, किस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके अमेरिकन रेवोल्यूशन से कैसे तार जुड़ते हैं, ये सारा आपको अभी समझ आ जाएगा। सिस्टम को समझते हैं। देखिए, आज दिन तक जो यूरोप है उसमें कुछ सिस्टम फॉलो हो रहे थे। आपने थ्री ऑर्डर स्टडी किए तो आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में क्लर्जी एग्जिस्ट करती है, सेकेंड ऑर्डर में नोबल एग्जिस्ट करते हैं और थर्ड ऑर्डर में कॉमन मैन एग्जिस्ट करते हैं। इन जो कॉमन मैन है इसकी अगर हम डिवीजन करें तो कुछ इस तरह से भी डिवीजन हो सकती है कि इसके दो एस्पेक्ट निकलते हैं। एक वो है जिसमें बिग बिजनेस हाउसेस हैं, मर्चेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो बिजनेसेस हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स, मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, एवरीबडी, एजुकेट, लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये एक सेक्शन है कॉमन मैन का। इनके अलावा अगर हम सेक्शन देखें दूसरा कॉमन मैन का, तो आपको यहाँ पर आर्टिजन मिल जाते हैं, आर्टिजन मिल जाते हैं और पीजेंट्स मिल जाते हैं। इनके अलावा एक और सेक्शन बनता है कॉमन मैन का, अगर हम उसकी बात करें तो आपको यहाँ पर लैंडलेस लेबर मिल जाती है, लैंडलेस लेबर मिल जाती है। दूसरा आपको
पीजेंट वर्कर मिल जाते हैं, वर्कर्स मिल जाते हैं, और फिर आपको वुमेन मिलती है। कुल मिलाकर के कॉमन मैन में भी फर्दर तीन डिवीजन है। रैंक वन है, दैट इज बिजनेस प्रोफेशनल्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स। रैंक टू है, दैट इज आर्टिजन, पीजेंट्स। रैंक थ्री इज लैंडलेस लेबर, पीजेंट वर्कर्स एंड वुमेन। तो तीन डिवीजन्स में फर्दर थर्ड ऑर्डर में भी एक डिवीजन एग्जिस्ट करती है। तो ये अब तक का सिस्टम है, और इनके सभी के ऊपर बैठा हुआ है मोनार्क, ये आप जानते हैं। तो होता क्या है, देखिए, रेनेसेंस के पीरियड के टाइम से ही सोसाइटी का एक सेक्शन है जिसने रेनेसेंस के टाइम पर जो फ्लरिशिंग ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ उस टाइम पर, उसकी मदद से काफ़ी बड़े पैमाने पर वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली है अपने पास। और उस सेक्शन के पास आज वेल्थ तो है, लेकिन वो स्टेटस और वो प्रिविलेजेस नहीं हैं जो सोसाइटी में अदर टू सेक्शंस को मिल रहे हैं, जैसे कि क्लर्जी और नॉबल। तो इसकी पहली प्रॉब्लम ये है कि इसे सोसाइटी में एक स्टेटस अचीव करना है जिससे कि इसकी वेल्थ जो है उसकी सिग्निफिकेंस इसमें महसूस हो, फील हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि इस पीरियड तक बहुत बड़े पैमाने पर लोग आपस में मिल चुके हैं, कई तरह के कल्चरल एक्सचेंजेस हुए हैं, कई तरह से टेक्निकली एक दूसरे के पास आपने नॉलेजेस एक्सचेंज करी हैं, साइंस एंड टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ है। इन सारी चीज़ों की वजह से आप क्वेश्चन करने लगे हैं ओल्ड सिस्टम को, और आप ये पूछने लगे हैं कि कहाँ तक वैलिड है दो सेक्शंस का प्रिविलेज्ड होना, क्या बाय बर्थ कोई जनरली प्रिविलेज्ड हो सकता है, क्या प्रिविलेजेस मेरिट के बेस पे नहीं होने चाहिए, क्या किसी से हम टैक्स लें और किसी से ना लें, ये सिस्टम कब तक कंटिन्यू होना चाहिए। क्योंकि जब जब समाज जागरूक होता है, पढ़ लिख जाता है, वो इस तरह के सवाल करता है। यूरोप का एक कल्चर है जो डेवलप हो चुका है, अब लोग सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं। बड़े पैमाने पर इस पीरियड तक एक चेंज ही आता है, प्रिंटिंग के आ जाने की वजह से बहुत ही तेज़ी से जो भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं उनके विचार दूर दूर तक फैलते हैं। बहुत हाई लेवल पर इस समय में काफ़ी सारी लोकल और वर्नैकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया, जिन लैंग्वेजेस की बदौलत आप काफ़ी हाई लेवल पर लोकल मासेस को टारगेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस समय में काफ़ी बड़े बड़े हस्तियाँ हुई हैं, जिनमें आपको पता है एक पर्सन है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इसके बाद जीन जैक्स रॉसे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इसके अलावा मॉन्टेस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इसके अलावा डांटे एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। तो लॉक हैं, रॉसे हैं, डांटे हैं और मॉन्टेस्क हैं, ये इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी और थिंकर्स हैं जो बड़े पैमाने पर लिख रहे हैं। इनकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की किताब हैं। रॉसे की किताब उस टाइम पर आई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी जिसने काफ़ी तरह के चेंजेस किए। इनफैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने ही ये कहा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने ये कहा कि जो मोनार्क है इसके हाथ से रूल निकल करके जो गवर्नमेंट है दैट शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, दैट इज द रिपब्लिक। तो ये होना चाहिए, तो रिपब्लिक होना चाहिए कंट्री में। तो इस विचार ने लोगों में बहुत उन्माद पैदा किया। इसी तरह से जॉन लॉक की द थ्री टाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट लिखी गई थी, उसमें उसने क्वेश्चन किया कि कब तक एक मोनार्क, एक पर्सन के हाथ में पावर रह सकती है, क्या पावर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होनी चाहिए, क्या तीन ऑर्गन्स नहीं होने चाहिए गवर्नमेंट के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। तो गवर्नमेंट के अंदर ही पावर का डिवीजन नहीं होना चाहिए। ये उसने डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ था वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से, क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन तब तक जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना चुका था उसमें जो गवर्नमेंट की पावर है उसे डिवाइड कर लिया गया था जुडिशरी के बीच, लेजिस्लेटिव के बीच और एग्जीक्यूटिव के बीच। तो कुल मिलाकर के इसके बाद मॉन्टेस्क आए। मॉन्टेस्क ने अपनी किताब में और भी अधिकारों के बारे में लिखा, लॉ के बारे में लिखा। उनकी बुक लॉ के ऊपर थी जिसके में उन्होंने लिखा कि लॉ कैसे होना चाहिए। लॉ लोगों की विल होनी चाहिए, द विल ऑफ द पब्लिक। और एक बार लॉ बना तो एवरी वन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, सारे लॉ के सामने बराबर हैं, लॉ सभी पर बराबर लागू होना चाहिए। लॉ की नज़र में कोई प्रिविलेज्ड सेक्शन नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने लॉ बनाया लॉ उन पे लागू नहीं होता, लॉ उन पे भी लागू होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये विचार बड़े पैमाने पर किताबों में लिखे जाने लगे, किताबें बड़े पैमाने पर छपने लगी, और वो भी कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं में, लोकल वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में। फर्दर जब उनका डिसेमिनेशन हुआ, उनका वितरण हुआ लोगों के बीच में, लोगों ने इस चीज़ को जाना, समझा, पढ़ा। खास तौर पर इस समय की किताबों में
चित्रकारी का बहुत बड़े पैमाने पर सहारा लिया जाता था। क्योंकि लोग उस समय में एजुकेटेड इतने नहीं थे, इसलिए सिंबल्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता था, इमेजेस का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता था लोगों को कोई भी बात समझाने के लिए। तो अल्टीमेटली इन सारे विचारों को लोग डिफरेंट डिफरेंट सैलून कैफेज में बैठ करके डिस्कस करते थे, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ते चले गए और उन्हें पता लगा कि करना क्या है। अल्टीमेटली आप रेवोल्यूशन करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, भारत में 1857 का जो रिवॉल्ट किया गया था, 1857 का रिवॉल्ट रेवोल्यूशन बनने से इसलिए चूक गया था क्योंकि दो तीन चीज़ों की कमी थी। एक तो उनके सामने कोई नेता नहीं था कि किस नेता वो गद्दी पर बैठा है। तो ऑलरेडी जो एक नेता डिपोज कर दिया गया था, बहादुर शाह टू, जो कि लास्ट मुगल एम्पायर था, ले दे करके उन्होंने उसी को फिर से गद्दी पर बैठा दिया, जिससे कि ऑलरेडी भारत की बहुत सारी जनता त्रस्त थी और वो हिंदू कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल भी नहीं था क्योंकि वो मुस्लिम था और पॉपुलेशन उस समय देश की मेजोरिटी हिंदू थी। ठीक इसी तरह से उनमें कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई सिंगल पर्सन लीड नहीं कर रहा था। और तीसरा, रोड मैप नहीं था कि ब्रिटिशर्स नहीं तो फिर क्या क्या करेंगे, देश कैसे चलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेजिस्लेटिव बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये पता ही नहीं था। कुल मिलाकर के ये भी तो होना चाहिए ना कोई गाइड करने वाला। तो मैं क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बार बार इसकी जिक्र क्यों हो रहे हैं, 2013 पंजाब PCS मेंस हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, कि उस समय के स्कॉलर्स ने किस वे में इन्फ्लुएंस किया फ्रेंच रेवोल्यूशन और अदर रेवोल्यूशन को। तो अल्टीमेट आस्पेक्ट इज कि स्कॉलर्स ने बहुत डीपली डिस्कशंस की आपस में और उनके बीच में जो डिस्कशंस होती थी उन एपिसोड्स को वो छापा करते थे, लिखा करते थे। अल्टीमेटली जब ये लोगों तक पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि ये मोनार्क होता है, ये राजा है, ये नहीं रहेगा तो एक ऐसा शासन होगा, उस शासन को रिपब्लिक जैसा कुछ कहते हैं, और उसमें हम लोग लोगों को चुनेंगे, वो लोग जाके राज करेंगे और वो जो नीतियां बनाएंगे वो कुछ ऐसी होंगी, यानी कि क्लर्जी और नोबल जैसा कुछ नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएंगे। जब ऐसे वाद विवाद होने लगे, ये कोई नई बात नहीं है, आप इंडिया जब पढ़ेंगे ना, इंडियन रेनेसेंस भी आप पढ़ोगे, इंडियन रेनेसेंस में सेम काम राजा राममोहन रॉय द्वारा किया गया। राजा राममोहन रॉय ने वाद विवाद कॉन्वर्सेशन खुद से ही सवाल कर रहे हैं, खुद से ही जवाब दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कई मैगजीन्स, कई अखबार छाप डाले उस समय कि ब्रिटिश रूल क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे फिर होगा, आम जनता का इसमें क्या रोल है, ऐसे सारे सवालों के जवाब लोग रोज पढ़ते थे और उन्हें सारे क्वेश्चन, टीचिंग कोचिंग चल रही थी एक तरह से। तो ये सब होने लगा इस समय में। एक मिडिल मध्यम वर्ग का जन्म हुआ है जो एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, जिसे स्टेटस भी चाहिए सोसाइटी में, जो जगह चाहता है मोनार्क के काउंसिल में, जो डिसीजन मेकिंग में आना चाहता है, ये इसका स्टेटस और सोशल एस्पेक्ट है। लेकिन इसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बिजनेस ग्रुप है, जो बिजनेस क्लास है, ये जितनी भी इकोनॉमिक ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उन्हें दूर करना चाहता है। जब वो ये देखता है कि बहुत बड़े पैमाने पर मेरा पूरा के पूरी जो किंगडम है ये कई सारे मैनोर्स में डिवाइडेड है, डिफरेंट डिफरेंट मैनोरियल हाउसेज हैं, उनके अपने अपने वेट्स एंड मेजर्स हैं, उनके अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, अपने अपने टोल्स हैं, अपने अपने वे में मार्केट को वो प्रमोट करते हैं। इसकी वजह से हम उस लेवल पर फ्लरिश और एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। एक यूनिफाइड वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम होगा, एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, यूनिफाइड प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो अल्टीमेटली जो ट्रेड एंड कॉमर्स है ये भी अनहिंडर्ड होगा और हमें फ्लरिश करने का मौका मिलेगा। तीसरी बात ये है कि युद्धों में विश्वास नहीं करते थे ये। उन्हें ऐसा लगता था कि जो मोनार्क होता है, जो किंगडम बेस्ड सिस्टम है, इनमें बैटल्स और फाइट्स बहुत होती हैं, बहुत तेजी से युद्ध होते हैं और युद्ध से हमेशा नुकसान होता है व्यापार का। अल्टीमेटली युद्ध कम होंगे, पीस स्टेब्लिश होगी, तो ट्रेड एंड कॉमर्स और बड़े पैमाने पर स्टेब्लिश होगा, और ये तभी होगा जब फ्रांस पूरी तरह से एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, एक यूनिफाइड नेशन की तरह आइडेंटिफाई होगा। ये सारी चीजें देख करके मिडिल क्लास ने आवाज उठानी शुरू की, क्योंकि ये एजुकेटेड हो चुका था, ये दुनिया घूम चुका था, इसे सारा पता था और ये हर रोज उन थिंकर्स और फिलोसफर्स को पढ़ रहा था। कुल मिलाकर के अब सिस्टम आगे शुरू होगा। इसमें से एक सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन को अब तक एक्सप्लॉइट किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे वो फ्यूडल लॉर्ड्स के मैनोरियल हाउसेस थे जिनमें से जिनसे उनसे बहुत बड़े पैमाने पर फ्यूडल ड्यूज वसूले जाते थे इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज या अदर फॉर्म में, चाहे फिर वो चर्च हुआ करते थे जो उनसे टिथे लिया करते थे उनकी उपज का 10वां हिस्सा, चाहे फिर वो राजघराने थे जो उनसे टैले लिया करते थे उनकी फसल से मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कुल मिलाकर के चाहे वो लॉर्ड था जिसने उनसे उनकी फ्यूडल ड्यूज लिए, उनसे उनकी सर्विसेज कराई, घर में, सड़क बनाने में, नगर बनाने में, किला बनाने में और उसके निजी काम करने में, चाहे फिर वो चर्च था, चाहे फिर वो मनार्क था, हर वे में एक ही सेक्शन था जो पिस रहा था और जो पॉपुलेशन में मेजोरिटी में था, लेकिन उसको पॉलिटिकल राइट्स किसी तरह के मिले नहीं है, सोशल सिचुएशन, सोशल पोजीशन उसकी कोई भी नहीं है,
जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कभी होने के कोई आसार ही नहीं है, क्योंकि वो पेरेनियल वे में परमानेंटली एक एटमॉस्फेयर में है, जिसके जिसकी वजह से वो उसके आगे आने वाले बच्चे और बाकी आगे आने वाले बच्चे इन परपेचुइटी इसी वे में रहेंगे। तो ये अब ये जानना चाहता है कि इसके हालात कैसे सुधर सकते हैं। इसमें एक उम्मीद जगाई है उस वर्ग ने जो इसी वर्ग से बिलोंग करता है, जो अपर मिडिल क्लास सेक्शन है, एजुकेटेड सेक्शन है। जब ये सारे माहौल बनेंगे तो फिर सिचुएशन कहाँ पे जाके लीड करेगी, अब हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा, फ्रांस की बात कर रहे हैं तो इसमें एक कैपिटल सिटी है पेरिस, उसे थोड़ी ही दूरी पर एक जगह है पैलेस वर्सैले का, द पैलेस ऑफ वर्सैले। लेकिन वहीं पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं बेस्टिले। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है बेस्टिले। जो किला है, उस किले का जो कारावास है, कारागृह यानी कि जो जेल है, उसे हम बेस्टिले कहते हैं, उस बिल्डिंग का नाम बेस्टिले है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी। 14 जुलाई का दिन है और सभी लोग नगर में उमड़े हुए हैं और बेस्टिले को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 7,000 लोग हैं जो गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंगों को सीज करना चाहते हैं, उन्हें क्रश कर देना चाहते हैं। उनमें से एक सेक्शन बेस्टिले की तरफ चलता है और बेस्टिले को ध्वस्त कर देता है। हालांकि वहां पर कैदी कुछ ज़्यादा नहीं थे, 7 ही कैदी थे जिन्हें छुड़ा लिया जाता है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा इतने ज़बरदस्त तरीके से बेस्टिले को हर्ट करना, ये बताता है कि बेस्टिले एक सिंबल था जो ये दर्शाता था कि कितने निर्दोषों को यहाँ पर बेवजह कैद किया गया था। तो ये एक तरह से थर्ड एस्टेट यानी कि थर्ड ऑर्डर जो है, उसके भी फर्दर थर्ड रैंक पे आने वाले लोगों के साथ जो अब तक के अत्याचार हो रहे थे, उसका जीता जागता सबूत वो बेस्टिले हुआ करता था। इसलिए उन लोगों ने अपनी जान पर खेल करके जब उन्हें मौका मिला तो सबसे पहले उन्होंने बेस्टिले को ही जगाया, जलाया है, बर्बाद किया है। कुल मिलाकर के ये दिन वो दिन है जब उनको ऐसा लगता है कि जो राजा है उसने डिसीजन ले लिया है, ट्रूप्स मूव कर दिए हैं, किसी भी समय हमें आकर के खदेड़ा जा सकता है और कभी भी बर्बादी हो सकती है। कुल मिलाकर के 14 जुलाई का ये जो नज़ारा बनता है, इसके बनने के पीछे पिछले 45 दिन की कहानी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट 45 डेज में क्या होता है वो हमें समझना ज़रूरी है। चलिए अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। शुरुआत करते हैं 5 मई से, 5 मई 1789, समर है ना, समर सीजन है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो समर सीजन ही होगा। 5 मई 1789 को क्या होती हैं चीज़ें, देखिए, जो बर्बन डायनेस्टी के रूलर हैं लुई 16, अभी 20 साल के युवा हैं और इन्हीं के पड़ोसी राज्य में यानी कि उस समय की एक मल्टीनेशनल किंगडम हुआ करती थी ऑस्ट्रिया की, हैब्सबर्ग किंगडम, हैब्सबर्ग एम्पायर ऑफ द ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस हैं मारी एंटोनिया, तो अब इन्हें लिखने में एंटोनियट होगा तो एंटोनियो पढ़ने में आता है। तो मारी एंटोनियो के साथ इनकी शादी हो जाती है और हुस्न ज़बरदस्त है और लुइस कुछ भी करने पे आमादा है कि मारी तुम बताओ जो चाहती हो सब मिलेगा। मारी जो है खर्चीली बहुत है, बे इंतहा खर्चा करती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब लुई 16 गद्दी पर बैठे थे उन्हें ऑलमोस्ट एक खाली राज्य मिला था, यानी कि ट्रेजरी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। इस खाली ट्रेजरी में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उन्हें बहुत ही वलप्शियस एक वर्सैले पैलेस जो है वो मेंटेन करना पड़ता था, जिसके खर्चे बहुत ज़बरदस्त थे। वैसे वलप्शियस मोस्टली बॉडी और फिगर के लिए वर्ड यूज होता है, लेकिन जिसके बहुत सारे पॉकेट्स बिखरे हों, किधर किधर खर्चे जा रहे नहीं पता, यू कैन यूज इट इन दैट मैनर ऑल्सो। सो बहुत ही वलप्शियस पैलेस जो था, बहुत ही मैग्नेमस, तो अल्टीमेटली उसको मेंटेन करना है डेली बेसिस पर, तो वो खर्चा बहुत था। बहुत बड़ी आर्मी हैंडल होती थी, उसका डेली बेसिस पे खर्चा था। ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने का खर्चा था। तो कुल मिलाकर के इस समय तक आपके पास पैसा नहीं है और आप पीछे कई बारी टैक्स बढ़ा चुके हैं, एक एस्पेक्ट ये, ट्रेजरी खाली है। दूसरा, एंटोनियो जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर खर्चीली हैं, जिनकी वजह से आए दिन आप नए नए निर्माण करा रहे हैं, नए नए कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे हैं और बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जिसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा है। तीसरा, इतने हालात खराब हैं, ऐसे में 1774 में जब लुई 16 गद्दी पर बैठे हैं, तो ये 1774 के बाद 1776 का अमेरिका का रेवोल्यूशन हुआ, तो लुई 16 को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि इनकी राइवलरी है ब्रिटेन के साथ और अभी तक इनका जो खजाना भी खाली हुआ फ्रांसीसियों का,
वो ब्रिटेन के साथ जो उनकी कंटिन्यूअस वॉर चल रही है, जो उनकी टसल चल रही है, इसकी वजह से ही खाली हुआ है। तो ब्रिटेन के साथ राइवलरी है, और अमेरिका में जो मदरलैंड ब्रिटेन कंट्री है उससे आज़ादी लेने के लिए 13 कॉलोनीज ने अपने आप को एकजुट कर लिया है। जो लड़ रहे हैं वहाँ पर ब्रिटेन से ही हैं, वो भी ओरिजिन वाइज ब्रिटिशर्स, लेकिन 13 कॉलोनी खुद को इकट्ठी करके यूनाइटेड स्टेट्स बन के फाइट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ। और इसमें बेइंतहा पैसा लगाया गया फ्रांस की तरफ से, क्योंकि फ्रांस अपनी राइवलरी को कंटिन्यू रखना चाहता था, और फ्रांस इसे बहुत बड़े पैमाने पर विक्ट्री के तौर पर सेलिब्रेट करता है जब उसने बीट कर दिया था ब्रिटेन को। कहाँ पर? अमेरिका में। तो इस वे में बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा हुआ। दूसरा कारण, पिछले कुछ समय से क्रॉप फेलियर बहुत स्ट्रांगली हो रहा था, और क्रॉप के फेलियर की वजह से विंटर बहुत हार्श आ रही थी, और इतनी हार्श विंटर की वजह से वीट की खेती अच्छे से नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जो ब्रेड है उसके दाम बढ़ रहे थे, और जो बेकरी वाले हैं उन्होंने होर्डिंग करना शुरू कर दिया था। इस वजह से जो आम वर्ग है वो बहुत परेशानी में था, क्योंकि पहले ही उसके ऊपर कर्जा लादा जा रहा है, उससे टैक्सेस की फॉर्म में ज़्यादा ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं बहुत बड़े पैमाने पर पैसा ले रहे हैं, चर्च भी अपनी आमदनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसे में फसलें फेल हो रही हैं तो कमाई नहीं हो रही है, और दूसरा उनके खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी होती चली जा रही हैं। तो उनके बीच में कहीं ना कहीं एक अंडर करेंट था, एक विद्रोह का कंसेप्ट फैला हुआ था, लेकिन उसे कोई ना कोई कह सकते हैं आप आउटलेट नहीं मिल रहा था जहाँ से वो विद्रोह कहीं ना कहीं बाहर निकल पाए। तो कुल मिलाकर के ये सिचुएशंस कुछ इस समय में एग्जिस्ट कर रही थी, जिन सिचुएशंस को एक आउट क्या कह सकते हैं आप आउटलेट मिलता है, वो अब कुछ इस तरह से बनेगा माहौल। ये कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, अब स्टोरी आगे बढ़ेगी। ये सारी चीज़ों की वजह से पैसे की बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत थी। उसमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, जैसे उस टाइम पर फ्रांस की करेंसी लिवर हुआ करती थी, लिवर। तो ये बताया गया है कि ऑलरेडी 2 बिलियन लिवर का कर्जा था, ऐसे में जब अमेरिका की मदद करी तो 1 बिलियन लिवर का कर्जा और चढ़ गया। तो कर्जे पे कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, ट्रेजरी सूखती चली जा रही है। ऐसे में राजा खुद को सस्टेन कराने के लिए अपनी मर्जी से टैक्सेस नहीं लगा सकता है। उसके लिए एक प्रोविजन हुआ करता था कि जब भी आपको टैक्स लगाना है, आपको कोई नया टैक्स लगाना है या टैक्स की दरें बढ़ानी है, तो आपको एस्टेट जनरल्स को बुलाना होगा। एस्टेट जनरल एक तरह की गवर्नमेंट बॉडी हुआ करती थी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आया करते थे। उस समय में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ये जो एस्टेट्स हुआ करते थे, ये सोसाइटी के 3 ऑर्डर्स हैं। यानी कि फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी हुआ करती थी, सेकेंड एस्टेट में नॉबिलिटी हुआ करती थी, और थर्ड एस्टेट में कॉमन पीपल हुआ करते थे। थर्ड एस्टेट के फर्दर 3 हिस्से थे जो मैं आपको समझा चुका हूँ, मर्चेंट प्रोफेसर, सेकेंड आर्टिजन और आर्टिजन और पीजेंट, और थर्ड वन इज द लैंडलेस और द वुमेन। तो कुल मिलाकर के 3 एस्टेट्स बुलाए जाएंगे, 3 एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो एक गवर्नमेंट बॉडी फॉर्म होगी, वो है एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल्स अगर मोनार्क के डिसीजन पर मोहर लगाएगी तो नया टैक्स लागू हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मोनार्क ने अपनी इन कंपल्शन की वजह से एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई 5 मई 1789 को, और एस्टेट जनरल्स वहाँ पर प्रेजेंट हुए। यानी कि फर्स्ट एस्टेट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आए उनकी नंबरिंग थी 300, यानी कि क्लर्जी की तरफ से। सेकेंड एस्टेट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आए उनकी नंबरिंग भी 300 थी। जो थर्ड एस्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए उनकी नंबरिंग 600 थी। क्योंकि यहाँ पर एक बात समझनी होगी आपको, कंट्री की जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो बहुत ही रैपिडली ग्रो हुई थी इन दिनों के दौरान। अगर आप 1720s की बात करें तो लगभग 22 से 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, लेकिन अगर आप 1780s की बात 1770s की बात करें तो पॉपुलेशन 28 मिलियन तक पहुंची हुई थी। यानी कि इन्हीं दिनों के दौरान 50 लाख की बढ़ोतरी हो चुकी थी बहुत बड़े पैमाने पर। तो कुल मिलाकर के इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से भी फूड क्रॉप फेलियर जो हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम अचीव हुई। और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है और ये जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, ये मोस्टली फॉल करती है कहाँ पर? थर्ड ऑर्डर। यानी कि देश में जो जनसंख्या है वो मोस्टली थर्ड ऑर्डर की है, 90%। तो कुल मिलाकर के ये जो 90% पॉपुलेशन है, अब हैरानी की बात ये है कि देश में कुल मिलाकर के जितनी भी जमीन है उस जमीन का सिर्फ 30% हिस्सा इनके पास है, 60% हिस्सा नोबल्स के पास, क्लर्जी के पास, और अदर बिजनेस एंड मर्चेंट प्रोफेशनल। तो कुल मिलाकर के देश में जो पॉपुलेशन 90% है उसको जमीन मिली हुई है 30%, जो पॉपुलेशन मुश्किल से 10 से 12% है उसको आपने जमीन एलोकेट करी हुई है बाकी की 60%। और इसमें भी अल्टीमेटली आपने वो जो क्लर्जी और जो नोबल है उसे प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, यानी कि राज्य की आमदनी का जरिया तो सिर्फ वही वाली 90% पॉपुलेशन है जिसके पास 30% रिसोर्सेज हैं।
तो 30% रिसोर्सेज पहले तो डिवाइड ही कैसे होंगे 90% में, और जो डिवाइड होगा उसके बावजूद फिर वो आपको टिथे और टैले कहाँ से पे करेंगे। ऐसे में आप टैक्स बढ़ा देना चाह रहे हैं तो ये उनके ऊपर कितनी बड़ी मार है, जिसमें कि पिछले 2-3 सीजन से लगातार क्रॉप फेलियर हो रहा है। तो अल्टीमेटली इन सारी मांगों के साथ ये सब वहाँ पर पहुँचते हैं, किसी भी लेवल पर जो आर्टिजन है, जो पीजेंट है और जो लैंडलेस लेबरर है, इनको एंट्री नहीं होती है स्टेट जनरल में। सिर्फ और सिर्फ जो एलीट क्लास है, कॉमन पीपल का, उसी को एंट्री मिलती है। और वुमेन की एंट्री किसी भी क्लास में बैन है, वुमेन क्लर्जी में, वुमेन नोबिलिटी में, किसी भी क्लास में एंटर नहीं कर सकती। तो वुमेन इस स्टेट जनरल नाम की गवर्नमेंट बॉडी से डिबार्ड है। तो कुल मिलाकर के स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जिसकी वजह से यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो इंसिडेंट क्या है, अल्टीमेटली जो स्टेट जनरल वन है उसको 300 चेयर्स दी जाती है, इस वे में बैठाया जाता है, और बिल्कुल उनके ऑपोजिट स्टेट जनरल टू को, यानी कि सेकेंड स्टेट को 300 चेयर्स दी जाती है, और इनको ऑपोजिट बिठाया गया है। मतलब दोनों वन ऑन वन फेस बैठे हैं, 300 इधर हैं, 300 ऑपोजिट हैं। इसके अलावा जो स्टेट जनरल थ्री है, यानी कि जो थर्ड स्टेट है, उसको 600, जो 600 पीपल हैं, उन्हें कोई चेयर ऑफर नहीं की जाती है, और उन्हें खड़ा रहने को बोला जाता है, और वो सब पीछे खड़े रहते हैं एकदम सर्कल में, इनके पीछे हाथ बांध करके। यानी कि यहाँ से उन्हें एक ह्यूमिलिएशन फील हुई, कि वो ह्यूमिलिएशन क्या थी कि जब पिछली बार ये स्टेट जनरल बुलाई गई थी, और हैरानी की बात 1614 में, यानी कि 1614 के बाद राजा ने महसूस ही नहीं किया कि मुझे स्टेट जनरल जैसी कोई चीज़ बुलानी चाहिए। मैंने पावर पूरी तरह से कंसोलिडेट करी हुई थी, स्टेट जनरल की मर्जी से टैक्स लागू होंगे ये बात सच थी, लेकिन स्टेट जनरल कब बुलानी है कब नहीं है राजा के ऊपर डिपेंड करता था। राजा ने 1614 के बाद अब बुलाई है, लेकिन 1614 का माहौल और अब का माहौल बहुत अलग था। तब आप पीछे खड़ा करते थे, चलता था, आज पर्सन एनलाइटन है। आज जो लोग थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने आए हैं वो बिजनेसमैन, इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर, दे आर वेरी एनलाइटन, ग्रीन दुनिया घूमी है उन्होंने, लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, और ऑलरेडी वो इस बात से भरे पड़े हैं कि पैसा हमारे पास इतना है कि चाहे इस नोबल को हम खरीद लें जो सामने कुर्सी पर बैठा है, लेकिन हमें पीछे खड़ा करके ह्यूमिलेट किया जा रहा है। ये एक प्रॉब्लम थी। इसके बाद सेकेंड और सबसे माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को छेड़ दिया, पहले से एक रूल ये फॉलो किया जाता था कि पर पर्सन पर वोट नहीं हुआ करता था, वन मैन वन वोट का कंसेप्ट नहीं था, वन एस्टेट वन वोट था, एक एस्टेट का सिर्फ एक ही वोट होगा। माने मान लीजिए 600 लोग हैं थर्ड एस्टेट में, 600 लोग आपस में जो डिसाइड करना है वो कर लें, 600 में से मान लो 350 कहते हैं कि टैक्स बढ़ना चाहिए, बढ़ना 350 कहते हैं कि टैक्स बढ़ना चाहिए, और 250 कहते हैं कि टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब ये इनकी आपस की राय है, तो उनका एक ही वोट होगा टैक्स बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब आप अपने लेवल पे जो मर्जी डिस्कस करते रहो, आपके एस्टेट की तरफ से एक ही पर्ची आएगी, येस और नो। तो पूरे स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का भी एक वोट, फर्स्ट स्टेट का भी एक वोट, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द मोनार्क। तो 3-2 में मेजोरिटी तो किसके साथ, 3 वोट पड़ेंगे, 3 में से 2 वोट मोनार्क के पास ऑलरेडी रहेंगे, स्टेट वन स्टेट टू का, मोनार्क तो अपनी मर्जी के नियम लागू करेगा ही करेगा। लेकिन जबकि अब तक जो विचार पड़े जा चुके थे, उसमें जो रॉसे के विचार थे, उसमें लिखा गया था कि जो गवर्नमेंट कंट्री की होनी चाहिए, इट इज अ काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, इसमें सामंजस्य से काम चलना चाहिए, और वन पर्सन वन वोट जैसा काम होना चाहिए। ये जो बातें लिखी गई, जॉन लॉक ने इस बात को प्रमोट किया था, ये जो बातें लिखी गई अल्टीमेटली उन्होंने एक डिमांड क्रिएट कर दी। जब ये बात आई, थर्ड स्टेट ने मना कर दिया, कहते भाई नहीं, हम नहीं मानते इस बात को, पर पर्सन पर वोट होना चाहिए, और वोट पूरी असेंबली का काउंट होना चाहिए, वोट पूरे वर्सायले पैलेस का काउंट होना चाहिए। तो वोटिंग पर वर्सायले पैलेस के लेवल पे हो, और वोटिंग पर पर्सन पर हो, तो मतलब 600 ये हैं उधर, वो पूरे मिला के 600 हैं, तो 600 वो और 600 रहे, फिर हुई बराबर की बात। तो 1200 वोट जब काउंट होंगे, उनमें से नेचुरली इन्होंने तो टोटली अगेंस्ट ही वोट डालना है, टैक्स बढ़ाने नहीं देना है, और अल्टीमेटली उधर से भी कोई 100-125 बंदे अगर वोट डाल देंगे तो बात बन जानी है। लेकिन जो मनार्क है लुई 16, उसने इस बात को नहीं माना। जब उसने इस बात को नहीं माना तो अल्टीमेटली ये लोग वहां से क्या हो गए, इवैक्यूएट, ये वहां से चले गए, इन्होंने क्विट कर दिया और बोला कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तो ये वो टाइम है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि 5 मई को, क्योंकि कन्वेंशन बुलाई गई थी, स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई गई थी, तो यही रेवोल्यूशन का डे है। लेकिन अब होगा क्या, इस चीज को समझिए, यहाँ तक की कहानी। अब 2-3 नाम आएंगे, उन नामों को अच्छे से समझ लेना, कल को अगर बड़े बड़े ग्रंथ लेके भी घर पे पढ़ोगे तो समझ आ जाएंगे, मेरी आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ से निकले हुए लोग जो हैं वो निकल जाते हैं एक रास्ते पर, और एक एरिया है वहाँ पर जहाँ पर टेनिस ग्राउंड है,
इंडोर टेनिस ग्राउंड है, और इस इंडोर टेनिस ग्राउंड में बैठ करके मीटिंग करते हैं और अपने आप को ये डिक्लेयर करते हैं कि पूरे के पूरे फ्रांस को हम एज ए नेशन रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे और देश की 90% पॉपुलेशन थर्ड एस्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो अगर वो जो पॉपुलेशन है वही मेन पॉपुलेशन है, तो हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन ये डिसाइड करते हैं कि हम एक असेंबली हैं, कौन सी असेंबली ऑफ द नेशन, दैट इज द नेशनल असेंबली। तो इसका नाम पड़ जाएगा नेशनल असेंबली। वाई अक्सर लोग सुनते होंगे तो वो कहेंगे कि नेशनल असेंबली कहाँ है, इसकी लोकेशन कौन सी है। मुझे एक बात बताइए, मैंने डे वन से एक बात एम्फसाइज कर रहा हूँ, देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द कंट्री एंड द नेशन। यहाँ पर बैठे हुए इस समय हम भी तो नेशनल असेंबली हो सकते हैं, बिकॉज वी आर द नेशन, वी आर द नेशनल्स ऑफ द कंट्री ना, और नेशनल से मिलके नेशन बनता है, और हमारी असेंबली तो नेशनल असेंबली ही होगी एक तरह से। तो कुल मिला करके नेशनल असेंबली का गठन हो जाता है, और ये नेशनल असेंबली जो है इसकी डेट है एग्जैक्ट 20 जून 1798, यानी कि ठीक 45 दिन के बाद, 5 मई के बाद, 20 जून 1789 जो भी है, ओके। तो 45 दिन के बाद ये नेशनल असेंबली बन जाती है, और ये आपस में एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम तब तक आपस में टूटेंगे नहीं जब तक हम देश को एक संविधान बना करके ना दे दें, एक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना करके दे दें। और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में दिया जाता है, ठीक है। तो अभी ये असेंबली यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर आकर के सिचुएशन रोकते हैं। मैं 5 मई से 20 जून 1789 तक आया, और मैंने कहानी सुनाई थी 14 जुलाई 1789 की, मतलब अभी भी मैं 14 जुलाई तक नहीं पहुँचा हूँ। 14 जुलाई तक पहुँचना तो पड़ेगा ही ना, तब तक तो काम फिर बनेगा नहीं। चलिए 14 जुलाई तक पहुँचते हैं। ये लोग अब बड़े पैमाने पर वर्सैले के पैलेस में बैठने लगे हैं और मिलने लगे हैं, और अल्टीमेटली आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन, विचार विमर्श करने लगे हैं। इनको इस प्रोसेस में दो लोगों ने सपोर्ट किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। ये इसलिए बताया जा गया बुक में, और इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि अल्टीमेटली आज दिन तक जो कॉमन हैं, जो कॉमनर्स हैं, वो आवाज़ तो किसी न किसी वे में उठाते रहे हैं, रिबेल भी हुए हैं, रिवॉल्ट भी हुए हैं। रेवोल्यूशन ना होने का एकमात्र कारण ये था कि उन्हें फुल फ्लेजेड एजेंडा, प्रोग्राम और कैंपेन देने वाला वो एजुकेटेड मिडिल क्लास नहीं था अब तक। अल्टीमेटली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो होता तो एक तरह से कॉमन कॉमनर्स की एस्पिरेशन के पे बेस्ड है, जो कॉमनर्स कौन से हैं जिनको असेंबली में परमिशन अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉमनर्स का एजेंडा, उनका प्रोग्राम और वो पूरा का पूरा कैंपेन कैसे चलाना है ये गाइड करने वाला वर्ग अब जन्म ले चुका है, और वो अपने बलबूते पर इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे लेकर के जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कभी भी रेवोल्यूशन नहीं फूट सकता है जब तक उसके सामने प्रॉपर डायरेक्शन ना हो, एक आइडियोलॉजी ना हो कि आपको अचीव क्या करना है, और एक रोड मैप ना हो कि अचीवमेंट के बाद सेटल क्या करना है। ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। और ऐसा कहते भी हैं कि अगर आप 3-4 वर्डों में योर फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना चाहें, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से है, रेवोल्यूशन, वॉर, टायरनी एंड एम्पायर। यानी कि रेवोल्यूशन होता है, ये रेवोल्यूशन इतना स्ट्रिंजेंट हो जाता है आने समय में, ये वॉर में बदल जाता है, वॉर के बाद फिर इतनी ज़बरदस्त टायरनी होती है नेपोलियन की, अल्टीमेटली लोग ही त्रस्त हो जाते हैं, और फिर फाइनली एम्पायर बनता है किसका, नेपोलियन का। फिर से एम्पायर आता है मोनार्क को ख़त्म करके एक एब्सोल्यूट मोनार्क। तो ये फ्लो चार्ट बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो कुल मिलाकर के ये जो नेशनल असेंबली बनी है, ये नेशनल असेंबली का बनने का कारण ही ये है कि जो एजुकेटेड और लिबरल सेक्शन है उसने लीड किया है मास मूवमेंट को, और उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड किए हैं। इसमें दो बंदे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक पर्सन है वो नोबल है, बाय क्लास वो नोबल हैं, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि प्रिविलेजेस एंड होने चाहिए सोसाइटी में और सभी को इक्वल राइट होने चाहिए। तो उनका नाम है मेराबियो, ठीक है, मेराबियो। और दूसरे बंदे का नाम, यार दूसरे बंदे जो हैं वो कैथोलिक अथॉरिटी हैं, यानी कि एक तरह से वो चर्च के प्रीस्ट हैं, और अन्ना सेवे इस तरह से उनका एक नाम है, देख लेना आप बुक में। तो वो आप देख सकते हैं कि एस्टेट्स के पहले दो स्टेट्स जो हैं, क्लर्जी और नोबिलिटी, दोनों एस्टेट्स ने लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई हैं अपनी और लीड किया है लोगों को, तो थर्ड एस्टेट जो है कहीं ना कहीं वो खड़ा हो पाया इन द फॉर्म ऑफ नेशनल असेंबली। इन मीटिंग्स के दौरान मिराबियो और ये जो सेकेंड पर्सन है, सेवे,
ये बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को स्पीचेस देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें बताते हैं किस तरह से रेवोल्यूशंस लीड किए जाते हैं, हमें एंड प्रोडक्ट क्या अचीव करना है, लिबर्टी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है और डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, फ्रीडम क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें वो उन तक पहुँचाते हैं। एक तरफ जहाँ पर नेशनल असेंबली इस समय मीटिंग कर रही है और ये डिसाइड हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, डिबेट और डिस्कशंस का दौर बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, ऐसे में सिचुएशन टोटली डिफरेंट है कंट्री साइड एरिया में। जो कंट्री साइड एरिया है वहाँ पर गेम कुछ और ही चल रही है, वो क्या चल रहा है अब हम वो डिस्कस करते हैं, तभी समझ आएगा कि वो 14 जुलाई को क्या होता है अल्टीमेटली। देखिए मैंने आपको ये बताया कि इस टाइम तक क्रॉप फेलियर्स हुए थे और उन क्रॉप फेलियर्स की वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पर जो व्हीट है, व्हीट फ्लोर के प्राइसेस बढ़ गए थे और उस टाइम पर जो स्टेपल क्रॉप स्टेपल फूड हुआ करता था इन फ्रेंच लोगों का, वो ब्रेड हुआ करती थी और ब्रेड व्हीट से ही बनती है बेक करने के बाद। अल्टीमेटली जो बेकिंग हाउसेस थे उन्होंने होर्डिंग करना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर ये सारी चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर दिया ताकि इनकी कीमत बढ़ जाए और हम इनसे लाभ उठा सकें, ये अपने लेवल पर उन्होंने करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर आम जनता जो है, जिसको लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी दुकानों के बाहर, उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया और इसमें सबसे पहले औरतों ने, जो क्योंकि औरतों की जिम्मेदारी होती थी ब्रेड लेकर के आना, खाना पीना, बच्चों को खाना खिलाना, घर को संभालना, ये सारा काम औरतें किया करती थी। औरतों ने जब लंबी लंबी लाइनें दुकानों के बाहर लगाई, उन्हें अपने काम भी करने होते थे, औरत जो है ड्यूअल रोल प्ले करती थी, वह जॉब एम्प्लॉय भी थी उन दिनों में, काम भी करती थी और हाउस होल्ड एक्टिविटीज को भी संभालती थी। तो उन लोगों ने जब वहाँ की दुकानों को कुछ स्टॉर्म किया तो लोगों में उपद्रव फैल गया, उन्होंने इसे दबाना, वो जिनकी दुकानों को उन्होंने खदेड़ा उन्होंने इसको दबाने का प्रयास किया और बड़े पैमाने पर लोग जुड़े। लोगों के बीच में ये भावना फैल चुकी थी कि जो मनार्क है ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से इनको किसी भी वे में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन के तौर पर डील नहीं किया जाता। हमें इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है और एक तरह के सिंबल है मनार्क के ही, इन सबको फिनिश करना है। उन्होंने वन बाय वन सबको खदेड़ना शुरू किया। मोनार्क जो है वो इस बात की टेंशन में था कि एक तरफ उस दिन से 5 मई 1789 से जो पैलेस से जा चुके हैं वो लोग जिन्होंने जाकर के नेशनल असेंबली बना ली, वो नेशनल असेंबली डेली बेसिस पे मीटिंग कर रही है, डेलीबरेशन हो रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात चल रही है, हर रोज़ वो अपना काम कर रहे हैं और हम विद फोर्स उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको समर्थन बहुत है, जनता उनके बहुत साथ है। और ऐसे में ये जो लोग एक तरह से उपद्रव मचा रहे हैं शहरों में, नगर में, अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ें अगर साथ मिल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी को हम पेरिशियंस कहते हैं, पेरिशियंस लोग जो पेरिस के नियर बाय एरिया में रहते हैं। 14 जुलाई को ये सभी लोगों ने जब चढ़ाई करी है पेरिस पर, तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मनार्क है उसने ट्रूप्स को ऑर्डर दिए हैं और हम पर वो गोलियां चलाएंगे और हमें मार दिया जाएगा। तो फाइनली इन 7-8 हज़ार लोगों ने जितनी भी सरकारी बिल्डिंगे हैं जो सिंबल है मोनार्किकल एटीट्यूड के, उनको जलाया और सबसे पहला टारगेट इनका बेस्टिले था। बेस्टिले का जलना बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया गया क्योंकि ये एक तरह से जो ओल्ड रिजिम था, जो मोनार्की थी, उसके ख़त्म होने का पहला स्टेप था, मतलब दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड काइंड ऑफ। तो कुल मिलाकर के 14 जुलाई 1789 का ये दिन है जिस दिन एक्चुअल में रेवोल्यूशन फूट पड़ता है। ये बात समझ में आई? 14 जुलाई 1789 के बाद कंटिन्यूअस आर्म स्ट्रगल छिड़ जाता है किनके बीच में, अब इनको हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशनरी, ये रेवोल्यूशनरी। नेशनल असेंबली अपने लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम करते चली जा रही है और इन रेवोल्यूशनरीज के बीच में और जो मनार्किकल ट्रूप्स हैं उनके बीच में कन्फ्रंटेशन जारी है। बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमी को लॉस होता है, बहुत हाई लेवल पर जान माल का नुकसान भी होता है, जानें भी लोगों की जाती हैं, कहीं ना कहीं लोगों का मोराल भी वीक पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहता है। अल्टीमेटली जो मनार्क है उसे ये चीज़ महसूस होने लग जाती है कि अब मुझे कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि रेवोल्यूशन का लेवल जिस लेवल पर रीच कर चुका है, ऐसे में अगर मैं अब सपोर्ट नहीं करता हूँ और मैं अगर अब साथ नहीं देता हूँ तो मुझे यहाँ से उठा करके फेंक दिया जाएगा, इसलिए मुझे इस चीज़ को अब संभालना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये प्रोसेस अपनाने की वजह से 1791